वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की कोई भी वीडियोस या फोटो को हम अपने मोबाइल की गैलरी में कैसे सेव करें या डाउनलोड करें। तो ये बहुत सिंपल है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा सिंपली आपको उसी तरीके को फॉलो करना है और आप बहुत इजीली अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम की कोई भी फोटो या वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन किया। उसके बाद जो फ़ोटो या वीडियो आपको डाउनलोड करनी है या सेव करनी है उस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ आपके सामने कोई फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं ये फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा जो है फॉलो योर अपडेट्स, ठीक है, पुणे फीमेल एज 22-25 गुड एक्टिंग स्किल्स। ठीक है, तो इस फोटो को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस फोटो के पीछे 3 डॉट है, सिंपली आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और इस फोटो का लिंक कॉपी कर लेना है। 3rd नंबर पे कॉपी लिंक कर देना है। लिंक इसका कॉपी जाए फिर आपको क्या करना है, ऐप से बाहर आ जाना है। इसलिए आपको ऐप से बाहर आ जाने के बाद अपना क्रोम ब्राउज़र ऐप ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ऐप ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ सर्च बार में जाना है और सर्च बार में लिखना है इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर। ठीक है, इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर। सिंपली आपको ये लिखने के बाद आपको पास वेबसाइट काफ़ी सारी खुल के आ जाएंगी। तो आपको ये वाला वेबसाइट ओपन करना है, www.3toys.com। ठीक है, 3toys.com। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पहले पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, मेरा दूसरे पे आया है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं छेड़ना है, सिंपली आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो भरने का ऑप्शन आया है ना, इंस्टाग्राम इमेज और वीडियो लिंक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लिंक कॉपी किया था ना आपको यहाँ पे टैप करके रखना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ओहो मैंने बोला था यहाँ पे कुछ मत कीजिए, यहाँ पे थोड़ा संभल के रहिएगा, यहाँ पे उल्टा सीधा टच हो जाता है अपने आप ही। तो यहाँ पे आपको इस पे वीडियो के लिंक पे क्लिक करना है सर्च बार में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आप मत छेड़िएगा बिल्कुल भी, आपको यहाँ पे इस टैप करके रखना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है फ्रेंड्स। स्क्रॉल करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खोल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है मैं बहुत ईजिली बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ईजिली बता रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी फोटोज थी उस वो जो यहाँ पे देखिए 2-3 फोटो आ गई, 2-3 इसलिए आई है क्योंकि फ्रेंड्स जो मैंने फोटो का लिंक कॉपी किया था ना उसमें साइड में भी फ़ोटो थी, दो से तीन फ़ोटो उसने अपलोड कर रखी थी, 2-3-4 जितनी भी, तो इसमें देखिए सारी आ गई। तो अब आपको जौन सी भी डाउनलोड करनी है सिंपली उसको डाउनलोड फाइल पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड फाइल पर क्लिक कर दे रहा हूँ। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग हो गया है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोडिंग हो चुका है। अब हम अपना क्रोम ब्राउज़र से भी वापस बाहर आ जाएंगे। अब मैं आपको अपना गैलरी में दिखलाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अपना मोबाइल की गैलरी ओपन की है। मोबाइल की गैलरी ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड में गया, मैं ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है हमारे मोबाइल की गैलरी में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसी तरीके से सिंपली आप अपने इंस्टाग्राम की कोई वीडियो उसको भी डाउनलोड कर सकते हो बहुत ईजिली। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।